विराट कोहली अपने आप में ही एक ब्रांड नेम है। मौजूदा वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसके बारे में बाकी सारे इंडियंस सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। एक तरफ जब हमारे देश में क्रिकेट एक लार्जर देन लाइफ गेम है, विराट कोहली इसी गेम के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर है। एक ऐसे प्लेयर जिनकी फैन बेस डाई हार्ड लॉयल है। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ उनकी शादी हुई, 35 करोड़ के पेंट हाउस में रहते हैं, हर साल मल्टी करोड़ डील साइन करते हैं और अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं, और ये सब सिर्फ 35 की उम्र में उन्होंने अचीव किया है। लेकिन अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, बहुत सीरियस एलिगेशन आ पड़ा है। जिस ढंग से वो पिछले कुछ सालों से बैटिंग कर रहे हैं, उन पर ये इल्ज़ाम है कि अब वे सेल्फिश बन गए हैं, सिर्फ अपने माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? और अगर ये बात सच है तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से विराट कोहली को अब एक सेल्फिश मोड पर जाना पड़ रहा है? चलिए इस टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। Man for the big stage, the big occasion, the bigger the game, the more he wants to contribute. He likes a fight, he likes a scrap as well. साल 2008 में वो पहली बार था जब हम फैंस ने विराट कोहली का नाम सुना। उन्होंने टीम इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया एक हीरोइक स्टाइल में, और सीधा सीधा उन्हें आरसीबी में एंट्री मिली और साथ साथ टीम इंडिया में भी जगह मिली। बीसीसीआई ने उनको काफी ट्रस्ट किया, बहुत सारे मैचेस दिए जिस पर वो खड़े उतरे, और उन्होंने टीम इंडिया को काफी बार जिताया, वैल्यूएबल इनिंग्स खेली। वे 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर भी बने। धीरे धीरे जैसे एमएस धोनी का टाइम एज अ कैप्टन खत्म होने लगा, तो उन्होंने विराट कोहली के हाथों में टीम की भागदौड़ सौंपी, एंड विराट प्रूव्ड टू बी द राइट चॉइस। ही लेड टीम इंडिया विद एब्सोल्यूट करेज, एंड एज अ कैप्टन उनके स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं। और दूसरी ओर एज अ बैट्समैन उन्होंने हमेशा टीम इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया। ऐसे कई अनगिनत मैचेस, अनगिनत रन चेजेस है जहां पर विराट कोहली ने शानदार तरीके से टीम इंडिया को जीत दिलाई। ही नाउ इज लिटरली टीम इंडियाज रन मशीन। हाल ही में खत्म हुए 2023 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट के सेमीफाइनल मैच में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो मेरे हिसाब से शायद अगले कई सालों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। उनके उस 100 के वजह से ही बिकेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सेंचुरियन एवर। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बीट कर दिया। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2024 के आईपीएल में आरसीबी के 5 मैच खत्म हो चुके हैं, और इन 5 मैचेस में विराट कोहली ने 316 रन्स मारकर ऑरेंज कैप अपने साथ रखी है। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि दूसरी तरफ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू कोहलीज परफॉर्मेंस। मतलब कि वो एक तरफ रन्स मार रहे हैं, हंड्रेड्स मार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी टीम पॉइंट्स में सबसे नीचे है। सो हुज़ टू ब्लेम फॉर आरसीबीज करंट स्टेट? कईयों का मानना है कि इट इज नन अदर देन मिस्टर विराट कोहली। उनका ये कहना है कि द 35-year-old बैट्समैन इज नाउ प्लेइंग सेल्फिशली, और उन्हें सिर्फ अपने रिकॉर्ड से मतलब है, उनकी टीम के हार या जीत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाल ही में जब आरसीबी राजस्थान रॉयल्स के साथ खेल रही थी, पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 183 मारे जिसमें से कोहली 113 नॉट आउट थे, लेकिन जब आरआर बैटिंग करने आई तो उन्होंने इस टोटल को इजीली चेज कर दिया। काफी फैंस ने इस लॉस का भी जिम्मा कोहली को ठहराया। कोहली स्कोर्ड वन ऑफ द स्लोएस्ट आईपीएल हंड्रेड्स एवर। ही टुक 67 बॉल्स टू गेट टू हिज 100। इनफैक्ट हाल ऐसा है कि इन द स्लोएस्ट 11 आईपीएल हंड्रेड्स कोहली का नाम 3 बार आता है। उन्होंने कुल 8 हंड्रेड्स मारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ हंड्रेड्स के लिए कोहली ने बहुत ज्यादा बॉल्स लिए। ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बन जाती है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड द फास्टेस्ट 100 बाय अ इंडियन इन ओडीआई क्रिकेट इज स्कोर्ड बाय नन अदर देन विराट कोहली। उन्होंने 52 बॉल्स में 100 मारी और एक मैच विनिंग नॉक खेली जब उन्होंने 183 रन्स मारे अगेंस्ट श्रीलंका इन ऑस्ट्रेलिया। फैंस का मानना है कि अगर कोहली अपने 100 के पीछे ना भागकर एक क्विक फायर 40, 50 या 60 रन्स मारे ओपनिंग आकर, तो उससे टीम को ज्यादा फायदा होगा। कुछ ऐसा ही काम रोहित शर्मा करते हैं मुंबई इंडियंस के लिए, जो जल्दी आकर 40s मारते हैं और एक 200 की स्ट्राइक रेट पर इन रन्स को मारते हैं। रोहित शर्मा के बैटिंग की वजह से मुंबई इंडियंस को एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर कोहली सिर्फ रन जुटाने के चक्कर में फंस गए हैं और वो बहुत स्लो रेट से रन्स मार रहे हैं। कईयों का कहना है कि कोहली सीधा सीधा सचिन तेंदुलकर को कॉपी कर रहे हैं,
उन पर भी इल्जाम था कि वे सिर्फ अपने 100th इंटरनेशनल 100 के लिए अपने करियर को इतना लंबा ले गए। और जब उन्होंने भी ये 100 मारी तो उन्होंने बहुत ज्यादा बॉल्स खाए जिसके वजह से इंडिया उस मैच को हार गई थी। इस कोहली रियली फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द लेजेंड, इस बात में कुछ तो सच्चाई जरूर है। ये कई बार सामने आया है, इवन इन डेथ ओवर्स अगर कोहली अपने 100 के आसपास है तो वो स्लोली खेलते हैं, सिंगल्स डबल्स लेते हैं जिनसे उनका माइलस्टोन तो पार हो जाता है। और काफी बार अगर रनआउट की सिचुएशन हो तो वे अपने एंड पर गड़े रहते हैं भले ही दूसरे बैट्समैन की बलि चढ़ जाए। टू बी फेयर, ऐसा नहीं है कि कोहली वो पहले प्लेयर है जो ये सब कर रहे हैं, काफियों ने ऐसा किया है। बट गेटिंग एवरीथिंग अ ह्यूमन कैन पॉसिबली गेट, फेम, मनी एंड पावर, क्या कोई ऐसी गंभीर वजह है जिसके वजह से कोहली इज मेकिंग श्योर दैट ही गेट्स हिज रन्स रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मैच? क्या वो टीम में अपनी पोजीशन को लेकर अब इनसिक्योर बन चुके हैं? एंड इज देयर अ ईगो बैटल बिटवीन हिम एंड द बीसीसीआई? पिछले कुछ सालों से विराट और बीसीसीआई के बीच में काफी अनबन चल रही है, स्पेशली तब से जब विराट ने टेस्ट कैप्टेंसी को गिव अप किया। इसके इमीडिएट रिस्पॉन्स में बीसीसीआई ने उन्हें ओडीआई और टी20 की कैप्टेंसी से भी ड्रॉप कर दिया। बीसीसीआई ने कहा कि हम दो अलग अलग कैप्टन्स फॉर अलग अलग फॉर्मेट्स नहीं चाहते। और इसके जवाब में विराट ने तुरंत आरसीबी की कैप्टनसी से भी खुद को निकाल दिया। एंड वेरी रिसेंटली आईपीएल 2024 के शुरू होने के पहले ऐसे काफी रूमर्स थे कि विराट कोहली को शायद आने वाले 2024 टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया जाएगा। एक और रीजन जिसके वजह से विराट थोड़े खफा है is that BCCI used Virat's popularity to make sure that cricket becomes a part of the Los Angeles Olympics in the year 2028. And on the other hand, Virat ki khud ki position Indian T20 team mein 50-50 hai. Ya shayad IPL ke pehle 50-50 thi. It's fair for Kohli to be angry about this point. Is baat mein koi doubt nahi hai ki Virat is one of the most popular cricketers living today. और ओलंपिक्स की कमिटी ने ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि जब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज अ क्रिकेटर तो क्रिकेट को ओलंपिक्स में कैसे ना रखे। और शायद इसी गुस्से के वजह से विराट ने 2024 के आईपीएल के एक पोस्ट मैच सेरेमनी में ये कहा, आई नो माई नेम इज क्वाइट अटैच्ड टू जस्ट प्रमोटिंग द गेम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू टी20 क्रिकेट, बट आई हैव स्टिल गॉट इट आई गेस। दिस श्योरली मीन्स दैट ही इज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट टू समवन। Who is that someone? Is it the BCCI? और शायद इसी को प्रूव करने के चक्कर में विराट अपने टीम का रिजल्ट भूलकर अपने रन्स पर फोकस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा अचीव करने के बाद विराट को अभी भी किसी को प्रूव करना है। अगर उन्हें सच में और भी ज्यादा ग्रेट बनना है, then I really think he should put all his focus towards making sure that his IPL team RCB or Team India wins the next big title. तो अब आप डिसाइड कीजिए, Is Kohli really being selfish with the bat? Or are the fans being too harsh on him? You be the judge. Write it down in the comments section below. I hope you enjoyed this one. Don't forget to subscribe to this channel. This is Divyang Jain signing off.